चरखी दादरी में आरटीए और ओवरलोडिंग से जुड़े लोगों के बीच इन दिनों तू डाल डाल में पात पात की स्थिति बनी हुई है। ओवरलोडिंग रोकने के लिए विभाग की टीम द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोग भी कहां कम हैं। जनाब वो भी आरटीए से बच निकलने के लिए नए नए तरीके खोज निकालते हैं। चरखी दादरी में ओवरलोड में कार्रवाई से बचने के लिए अज्ञात लोगों ने जो किया उसे जानकर प्रशासन के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ लोगों ने टीम की लोकेशन लेने के लिए आरटीए की सरकारी गाड़ी में ही जीपीएस लगा डाला। परिवहन विभाग में बतौर मोटर व्हीकल ऑफिसर एमवीओ तैनात निरीक्षक अनिल कुमार ने पुलिस में दी अपनी शिकायत में बताया कि वो मंगलवार को सरकारी गाड़ी में टीम के साथ दिल्ली रोड बाईपास पर आरटीए पार्किंग के पास मौजूद थे। इस दौरान उन्हें पता चला कि टीम की लोकेशन लेकर ओवरलोड वाहनों को दूसरे रास्तों से निकालने के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सरकारी गाड़ी में जीपीएस लगाया गया है। उन्होंने गाड़ी की जांच करवाई तो उसमें नीचे की तरफ एक जीपीएस सिस्टम और एक सिम बरामद हुई, जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी दादरी सदर थाना पुलिस को दी। इंस्पेक्टर अनिल कुमार आरटीए स्टाफ ने लिखित में थाने में सूचना दी कि आरटीए विभाग की सरकारी जिप्सी में किसी अननोन ने जीपीएस लगा के धोखाधड़ी की है। जीपीएस शायद किसी गाड़ी वाले ने लगाया, जो ओवरलोड गाड़ी पास करवाते हैं उन्होंने लगवाया होगा, इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। ये शायद ओवरलोड व्हीकल चलते हैं, इन्हीं में से किसी ने पीछा करके जीपीएस अपने फायदे के लिए धोखा से जीपीएस लगाया सरकारी गाड़ी में। गौरतलब है कि दादरी से हर रोज काफी संख्या में भारी वाहन निर्माण सामग्री लेकर गुजरते हैं। इनमें से कई वाहनों में ओवरलोड सामग्री भरी होती है। प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए पहले जहां रेकी की तरकीब अपनाई जाती थी, वहीं अब जीपीएस के माध्यम से टीम का पता लगाने वाली योजना ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। चरखी दादरी से नरेंद्र मंदोला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।